हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान की। दोस्तों आज की टॉपिक के साथ ये चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो आज की टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट और जबरदस्त रहने वाला दोस्तों। आज के टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं दोस्तों। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की हमारी सबसे पहली टॉपिक रहने वाली दोस्तों, सबसे पहली टॉपिक है रेखीय आवर्धन। लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, हम आज उनकी चर्चा करने वाले हैं, जिसे आप क्या कहते हैं दोस्तों, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो चलिए सबसे आज पहले हम चर्चा करेंगे रेखीय आवर्धन। देखिए दोस्तों, इसके लिए हम लोग इसको समझने के लिए क्या बनाते हैं, एक उत्तल लेंस बनाते हैं। एक प्यारा सा क्या बनाएंगे भैया, लेंस बना लेते हैं जिसके मध्य भाग को अलग करते हैं। ये हो गई मुख्य अक्ष। अब इसके सामने हम लोग क्या रखते थे, एक वस्तु रखते थे, वस्तु ए और बी हो गई। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब इनसे दो प्रकाश किरणें निकलती थी, दोनों प्रकाश किरणें कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती थी, वहीं पर इस वस्तु का क्या बनता था, प्रतिबिंब बनता था। मान लेते ये हो गया। अब हम मानते क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यदि मान लेते हैं वस्तु की लंबाई h है और प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, h डैश है। क्या करते हैं, वस्तु की लंबाई h है, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश है, तो आवर्धन क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। यदि वस्तु की दूरी क्या हो, u हो, यदि वस्तु की दूरी u हो और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो, v हो। एक बात जरा सा फिर से गौर से समझिएगा दोस्तों, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जब भी एग्जाम में आएगा तो आप इसे ऐसा फोड़ के आओगे कि दोबारा आपसे मिलने ही नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने आपसे क्या कह रहे हैं कि ये देखिए, ये प्रतिबिंब की लंबाई एज एग्जाम्पल समझते हैं। मानते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर बना होगा, कितना बना होगा, 4 सेंटीमीटर, और ये कितना रहा होगा, 2 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और वस्तु की लंबाई है कितना, 2 सेंटीमीटर। कटा दोगे दोस्तों, 2 सेंटीमीटर आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, सेंटीमीटर नहीं बल्कि केवल 2 प्राप्त होगा। तो ये दो इसका क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, आवर्धन कहलाता है। अर्थात ये आपके दिमाग में ये बात जाना चाहिए कि लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एक प्यारे से वर्ड जिसे आप इस्माल एम के नाम से जानते हैं, इसे किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों, इस्माल एम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, इस्माल एम से व्यक्त करते हैं। मजे की बात तो यह है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये तो अनुपातिक राशि है। ये क्या है, अनुपातिक राशि है, और अनुपातिक राशि का मात्रक नहीं होता। इतनी बातें आपको क्लियर हुई दोस्तों, इतनी बातें यदि क्लियर हुई होंगी तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। चलिए आप डिफिनेशन खुद बनाइए। ये देखिए क्या है, ये देखिएगा दोस्तों, यहां से ध्यान देना, ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो लिखिए, मुख्य अक्ष पर रखी रखी अभिलंबवत वस्तु, रखी अभिलंबवत वस्तु वस्तु ठीक के वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा इस वस्तु की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात ही वस्तु की लंबाई का अनुपात ही
अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे किससे व्यक्त करते हैं? अभी मैंने बताया था दोस्तों, इसे एम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? यम से व्यक्त करते इसे यम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? एम से व्यक्त करते हैं। ठीक, यदि मुझे इसका व्यंजक लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे? रेखीय आवर्धन। क्या? रेखीय आवर्धन। ठीक, रेखीय आवर्धन बराबर होगा प्रतिबिंब की लंबाई। क्या बोलिए? प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या होगा? वस्तु की लंबाई। किसकी लंबाई? वस्तु की लंबाई। किसकी लंबाई दोस्तों? वस्तु की लंबाई। ठीक, अब ध्यान देना, अब आप यहां पर ध्यान देना है, ये हम हटा देते हैं, ये आप समझ चुके होंगे। अब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है दोस्तों? प्रतिबिंब की लंबाई आपकी कितनी है? यहां देखिए, प्रतिबिंब की जो लंबाई है आपका वो कितना है दोस्तों? आपने क्या माना है? देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश माना। क्या माने हैं? एच डैश। देख रहे हैं ना चित्र में, क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश है, पूरे के बटे। वस्तु की लंबाई आपने क्या माना है? एच माना है। क्या माना है? एच माना है। ठीक, इसी को हम आई भी कहते हैं, इसे ओ कहते हैं। आई मतलब इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब, और ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या था? वस्तु। तो हम आई और ओ भी कह सकते हैं, एच डैश बटे एच भी कहा जा सकता है। बराबर क्या होता है? ध्यान से, बराबर। अब देखिए, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी वी है, तो लिखेंगे बराबर प्रतिबिंब की दूरी। क्या? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, बटे क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक, अब आपका जो फार्मूला अगर हमको लिखना है, देखिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? वी है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? वी है। और वस्तु की दूरी जो होती है वो कितना है? यू है। वस्तु की दूरी कितनी है? यू है। अब हम अगर इनको सांकेतिक रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? यम बराबर रेखीय आवर्धन को यम से व्यक्त करते हैं। ये प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश, और वस्तु की लंबाई कितनी है दोस्तों? एच है। वस्तु की लंबाई कितनी है? एच है। बराबर क्या होता है? देखिए, अब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो आपकी कितनी है? या तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? वी है। अब बटे वस्तु की दूरी कितनी है? यू। तो दोस्तों ये आपका फार्मूला तैयार होता है, यम बराबर एच डैश बटे एच बराबर वी बटे यू। आई होप कि आपको जरूर ये रेखीय आवर्धन समझ में आया होगा। अब दोस्तों, अब हम जिन टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिन टॉपिक की बात करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल हल करते समय, न्यूमेरिकल को लगाते समय वो चीजें आपको और प्लस कर देंगी और प्लस पॉइंट कर देगा। उन पॉइंट की हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो उसको चर्चा करने के लिए इसे मूव करना पड़ेगा। वो आज की जो बात है वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो दोस्तों एक बात ध्यान देना, यदि यदि यम आपका क्या है? धनात्मक आ रहा है। यदि यम क्या आ रहा है? धनात्मक आ रहा है। तो ध्यान देना कि प्रतिबिंब, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब हम क्या कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना दोस्तों, ये चीजें जल्दी नहीं बताई जाती। यदि यम क्या हो? धनात्मक हो। यदि यम क्या हो? धनात्मक हो दोस्तों। यदि यम की वैल्यू धनात्मक होगी तो प्रतिबिंब जो है आपका वो सीधा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा दोस्तों? सीधा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा। परंतु यही अगर हम कहें यदि यम क्या हो? ऋणात्मक हो। यदि यम क्या हो दोस्तों?
ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब सीधा नहीं बल्कि क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ये दो पॉइंट आपको बात समझ में आई। यदि यम की वैल्यू आपको धनात्मक मिलती है तो जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा, और यदि यम का मान ऋणात्मक होता है तो बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होगा। ये बात आपको समझना होगा जरूरी, ये बातें दोस्तों जाननी होगी। अगली पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अगला जो पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, ये आप जान लीजिए, आपके एग्जाम के लिए एकदम आग वाली बात है। एकदम ये जिद्द हो जानी चाहिए आपको कि ये दोनों चारों पांचों पॉइंट आपके दिमाग में बैठाने चाहिए। आपके एग्जाम में हमेशा 1 मिनट 2 मिनट टाइम आपको बचा सकता है, ये सब बात यदि आपको पता होगा तो। यदि दोस्तों हम बात करते हैं, यदि अगली स्थिति रखते हैं, यदि यम का मान क्या हो, एक हो, यदि यम का मान क्या हो, एक हो, तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु के क्या बनेगा दोस्तों, बराबर बनेगा। इस बात को ध्यान देना, यदि यम का मान क्या हो, यदि यम का मान एक आ जाए, यदि यम की वैल्यू आपको एक मिल जाए तो प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर बनता। कैसे, सोचिए, जैसे आपने माना कि कोई 2 सेंटीमीटर की वस्तु, ये कोई 2 सेंटीमीटर की वस्तु लेंस के सामने रखी गई है और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो भी 2 सेंटीमीटर बनता है। तो देखिए, 2 और 2 जब आप रखेंगे तो 2/2 कर देंगे, H-H निकालोगे तो 2/2 करोगे दोस्तों, 1 आएगा। तो सोचिए सोचिए, यहां प्रतिबिंब की लंबाई भी है वही है और वस्तु की भी लंबाई वही है। यही चीजिया तो बोल रहा है दोस्तों, यदि यम की वैल्यू एक होती है, यदि यम की वैल्यू आपको एक प्राप्त होती है तो प्रतिबिंब वस्तु के क्या होता है, बराबर होगा। अगली पॉइंट की बात करते दोस्तों, यदि यदि अगली पॉइंट हमारी क्या है दोस्तों, यदि यम की जो वैल्यू है वो 1 से क्या हो, बड़ा हो, यदि यम की वैल्यू क्या मिलती हो, 1 से बड़ा हो तो क्या होगा। आइए यहां हल करके देखते हैं, तब वहां पर लिखेंगे दोस्तों। वो मजे की बात क्या है, यदि यम का मान 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा होने का कंडीशन क्या होता है दोस्तों, कि हर जो होता है वो हमेशा अंश से छोटा होना चाहिए। यदि प्रतिबिंब आप 4 मानोगे तो आपको हर 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, परंतु परंतु यदि हम क्या मान ले, 4 मान ले तो ये गलत हो जाएगा, यदि 5 माने तो भी गलत होगा। क्योंकि क्योंकि इस स्थिति में, इन दोनों स्थितियों में, इन दोनों स्थितियों में, इन तीनों स्थितियों में यम की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों जब अंश आपका बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तभी यम की वैल्यू 1 से बड़ा मिलेगा। मैंने क्या बोला दोस्तों, कि जब अंश ज्यादा होगा तो अंश कौन है, एच डैश है दोस्तों। अंश कौन है, एच डैश, यानी प्रतिबिंब बड़ा होगा, वस्तु छोटा होगा। यदि यम की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो बड़ा हो तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। अगले पॉइंट की बात करते, इसी का उल्टा कर देते दोस्तों। यदि यम 1 से छोटा हो, यदि यम एक, ये छोटा का निशान है, जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होगा, जिधर नहीं खुला रहता वो छोटा होता है। यदि यम 1 से क्या हो, छोटा हो तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा दोस्तों, छोटा बनेगा। इस प्रकार आपका
जो आवर्धन की वो चार पांच बातें, और ये रेखीय आवर्धन दोस्तों आपका कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम इसी क्लास में बात करेंगे दोस्तों लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता से आपके बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं, एक नंबर का बहुविकल्पी जरूर बनता है दोस्तों। 100% गारंटी लेते हैं कि यहां से पक्का सवाल पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। और आप अगर आज की क्लास लेते हैं तो उस पूछे गए प्रश्नों को फोड़ के जरूर आओगे दोस्तों। ये मेरा चैलेंज है आपसे। तो दोस्तों ध्यान देते हैं, हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लेंस की क्षमता अर्थात पावर अर्थात कैपेसिटी ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता क्या होती है दोस्तों, तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो एग्जांपल देना चाहते हैं, वो जरूर आपको समझ में आएगा दोस्तों। मैंने कहा जैसे कि कोई मजदूर हो जाता है, ये किसी दीवार को इसका नाम ए है, और ये किसी दीवार को 5 दिन में करता है। वही कोई मजदूर बी है जो कि उसी दीवार को 3 दिन में बना देता है, तो बोलो किसकी शक्ति ज्यादा है, किसकी पावर ज्यादा है दोस्तों। आप बिल्कुल कहेंगे कि इसकी पावर सर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो उसी कार्य को जो केवल 3 दिन में कर रहा है, और ये वाले मजदूर भाई साहब उसी कार्य को 5 दिन में कर रहे हैं। इनकी क्षमता आपकी कम है और इसकी क्षमता क्या है, ज्यादा है। तो उसी प्रकार दोस्तों लेंस आपके क्या है, लेंस जो होता है वो प्रकाश किरणों को सिकोड़ने और फैलाने का काम करता है। सिकोड़ने और क्या करता है दोस्तों, फैलाने का काम करता है। तो हम बात करेंगे लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो जो भी लेंस प्रकाश किरणों को जितना ज्यादा मोड़ देता है, प्रकाश किरणों को जितना ज्यादा फैला देता है, फैलाने और सिकोड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है, इस लेंस की क्षमता कहलाती है। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि किसी लेंस के द्वारा, कोई भी लेंस हो, जैसे उत्तल लेंस होता है दोस्तों, वो प्रकाश किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है। वो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है। एज एग्जांपल आपने जैसे लिया दोस्तों कि ये कोई एक उत्तल लेंस है, अब इस पे पड़ने वाली जो प्रकाश किरणें है, इस पे पड़ने वाली जो प्रकाश किरणें दोस्तों, ये प्रकाश किरणें इसको यहां पर ले जाके सिकोड़ रही। परंतु अगर इसी के उपलक्ष्य में एक दूसरा हम उत्तल लेंस ले लें और ये उसकी मुख्य छ हो गई, तो ये प्रकाश किरणों, इस पे पड़ने वाली प्रकाश किरणों को ये यहां पर क्या कर दे रहा, फोकसित कर दे रहा। एक उत्तल लेंस और लेते हैं दोस्तों, फिर ये हमने इसका मध्य भाग बना दिया, ये इसकी मुख्य छ बना दी दोस्तों। अब इस पे पड़ने वाली जो प्रकाश किरणें है वो यहीं पर इसको सिकोड़ दे रहा। तो बताओ दोस्तों तीनों लेंसों में से कौन सी लेंस की क्षमता ज्यादा है, ए या बी या सी? तो देखिए जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना ज्यादा सिकोड़ दे रहा, ये जो लेंस है ये प्रकाश को सिकोड़ने में यहां से यहां तक सिकोड़ पा रहा, यही तुरंत नहीं सिकोड़ पा रहा, तो इस लेंस की क्षमता क्या है दोस्तों, कम है इसकी तुलना में इसकी लेंस की क्षमता कम है और इसकी भी तुलना में कम है। फिर उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली जो है इससे कम दूरी पर मोड़ दे रहा है, ये जो लेंस है प्रकाश किरणों को सब सिकोड़ रहे हैं, परंतु यह वाला लेंस इससे कम यानी इससे पहले ही सिकोड़ दे रहा है, तो ये वाला इससे ज्यादा शक्तिशाली है परंतु इससे कम है। तो इस ये देखिए ये सबसे नजदीक प्रकाश किरणों को सिकोड़ा है, तो इस लेंस की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी का उल्टा प्रोसेस होता है दोस्तों अवतल में, अर्थात वो कितना फैला सकता है, कितना वो अपसरित कर सकता है दोस्तों। तो अपसरित मतलब होता है फैलाना और अभिसरित मतलब होता है सिकोड़ना। तो आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। तो आइए हम ये चीज परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं, इनको पहले ये सब मूव कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए सब बताए जाते हैं दोस्तों, जिससे कि आपके दिमाग में ये बातें बनी रहें, बराबर बनी रहें, कि आपको फिजिक्स रटनी नहीं है, केवल आपको समझना है दोस्तों। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, किसी लेंस के द्वारा, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश को अभिसरित मतलब दोस्तों सिकोड़ना, अभिसरित या अपसरित मतलब होता है फैलाना, अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लेंस
करने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्या कहलाती है दोस्तों? क्षमता कहलाती है। लेंस की क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? लेंस की क्षमता कहलाती है। एक बात और बताएं दोस्तों, मजे की बात यह है कि जो लेंस की क्षमता होती है, जो लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता लेंस के फोकस दूरी के, लेंस के फोकस दूरी यानी जिस लेंस की क्षमता होगी वह उस लेंस की फोकस दूरी के क्या होता है? प्रतिलोम के बराबर होती है। प्रतिलोम के क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है। प्रतिलोम के क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात इसको अगर हम मैथ के रूप में समझना चाहें तो जो लेंस की क्षमता होती है पावर अर्थात पी, लेंस की जो क्षमता होती है पी बराबर क्या होता है? 1/f। परंतु फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में। अगर यही फोकस दूरी आपका सेंटीमीटर में आता है तो यही जो मीटर होता है वहां 100 लग जाएगा, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा दोस्तों, 100/f। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको बताने का मतलब है कि जिस लेंस की फोकस दूरी जितना कम रहेगा उस लेंस की क्षमता उतनी अधिक रहेगी, या दूसरे बात में बोलें किसी लेंस की जो क्षमता होगी जितनी उतनी ही अधिक होगी जितनी उसकी फोकस दूरी कम होगी। आइए आपके एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे मैं मानता हूं कि किसी लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो 10 मीटर होगी और किसी लेंस की फोकस दूरी 20 मीटर होगी, किसी लेंस की फोकस दूरी 40 मीटर होगी, किसी लेंस की फोकस दूरी 30 मीटर होगी। तो आइए हम क्या करते हैं दोस्तों, इन चारों लेंसों की क्षमता निकालते हैं। तो बताइए इनकी क्षमता अगर निकाला जाए तो 1/10 होगा। देखिए f के स्थान पे मुझे केवल 10 रखना है। भाग देंगे दोस्तों तो आप ऐसे भाग मत दीजिए, जाने दीजिए, अब मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। अगला, अगर इसकी क्षमता निकाली जाए तो 1/20 आएगा, इसकी क्षमता निकाली जाए दोस्तों तो 1/40 आएगा, इसकी क्षमता निकाली जाए तो 1/30 आएगा। आप एज ऐसा समझिए कि यहां पर एक बिस्किट है। क्या दोस्तों? एक बिस्किट है आपके पास, एक बिस्किट है और यहाँ लेने वाले 10 लोग हैं। तो बोलो यहाँ लेने वाले 10 लोग हैं, परंतु यहाँ भी तो एक ही बिस्किट है प्यारे बच्चों, और लेने वाले कितने लोग हैं? 20 लोग। तो बताओ यहाँ बिस्किट ज्यादा मिलेगी, यहाँ ज्यादा मिलेगी, या तो यहाँ पर ज्यादा मिलेगी या तो यहाँ पर। तो आप जरूर बता सकते हो सर जी कि यहाँ पर जो इंसान रहेगा उसे इन तीनों की तुलना में यहाँ बिस्कुट ज्यादा मिलने वाला है। तो वही चीज़ या तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि जिस लेंस की फोकस दूरी जितना कम रहेगी उसकी क्षमता उतनी अधिक रहेगी, और यदि किसी लेंस की फोकस दूरी जितना अधिक होता है लेंस की क्षमता उतनी कम होती है। अर्थात यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है और यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 4 मीटर है, अगर पूछा जा रहा है किस लेंस की क्षमता सबसे अधिक होगी दोस्तों, तो जिस लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है उस लेंस की क्षमता सबसे अधिक होगी। यही बात आपको यहां पर समझना है। तो आइए हम ध्यान से एक आध दो पॉइंट और नोट करते हैं दोस्तों, इसको रफ कर लेते हैं। इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों कि लेंस के मात्रक को बताइए, लेंस का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो लेंस का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेंस का मात्रक क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर होता है। इसे डायोप्टर होता है, डायोप्टर को किससे व्यक्त करते हैं? डी से, कैपिटल डी से। इसे कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं। अगली पॉइंट जो होती है, अगली पॉइंट आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसे कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता की परिभाषा आप लोग क्या कर चुके हैं? जान ही चुके हैं दोस्तों। यदि
कुछ और बातें जान लेते हैं दोस्तों, ये और कुछ बातें क्या होने वाली है, अगली पॉइंट हम क्या समझने वाले हैं दोस्तों, यदि यदि क्या आ जाए, यदि अवतर यदि यदि लेंस की क्षमता, यदि लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी, क्या होगी दोस्तों, ऋणात्मक हो तो लेंस अवतल होगा, क्या होगा दोस्तों, अवतल लेंस होगा, कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। यदि हम यही दूसरी बात करें, यदि यदि लेंस की क्षमता क्या दोस्तों, यदि लेंस की क्षमता धनात्मक हो, क्या हो दोस्तों, धनात्मक हो तो लेंस क्या होगा दोस्तों, उत्तल होगा, क्या होगा, उत्तल होगा। ये बात आपको जरूर याद रखनी होगी दोस्तों, लेंस की क्षमता पर हमको जरा सा भी जरा सा भी इग्नोर नहीं करना दोस्तों, क्योंकि ये जो टॉपिक है दोस्तों ना, वो एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपका बहुविकल्पी प्रश्न श्योर है 100% बनता है दोस्तों। इसलिए आज की जो ये छोटी सी टॉपिक थी, आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट था दोस्तों। आई होप कि आज की वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि कोई डाउट रह गया होगा दोस्तों, तो कमेंट सेशन में आप प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए दोस्तों, और अपने गोल को जरूर मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपने दीपावली एकादशी, आपके गांव के जो मेले थे, जो गांव में आपके रामलीला लगते थे, उन सबको आपने जो है मना लिया दोस्तों, और बहुत सारा आपने आनंद लिया होगा और बहुत सारी खुशियां मनाई होगी दोस्तों। परंतु आपको एक बात याद दिला देना चाहते हैं दोस्तों, प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड के जितने एग्जाम देने वाले हैं, अर्थात जो इस बार यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे, उन प्यारे बच्चों से मेरा एक निवेदन है कि वो ध्यान देंगे दोस्तों, कि ये सारी खुशियां आपको फिर अगले साल फिर से दोबारा यही त्योहार यही सब कुछ आने वाला है, पर ये सुनहरा सा जो चांस है, जो सुनहरा सा मौका है, वो मौकाएं आपको दोबारा नहीं मिलने वाली दोस्तों। तो आपने एक वादा किया होगा अपने आप से, जब आप हाई स्कूल या इंटर के क्लास में प्रवेश किए होंगे, तो अपने आप से किए गए वादे को एक बार जरूर याद कीजिएगा प्यारे बच्चों, कि वो वादा क्या, उस वादे के कितने हम नजदीक हुए हैं दोस्तों। यदि आप उस वादे के मुताबिक नहीं होंगे, तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप पढ़ सकते दोस्तों। कुछ प्यारे से बच्चों का प्रश्न ये रहता, सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम कैसे पढ़ें, कैसे तैयार करें दोस्तों, कि हमारा जो जो हमारा तैयार करने का जो प्रोसेस है वो अच्छा हो जाए दोस्तों। तो इस पर एक छोटी सी वीडियो आपको जरूर मिलेगी, कि आप अपनी पढ़ाई की क्राइटेरिया कैसे रखें, आप पढ़ाई कैसे करें कि आप 90% टारगेट को हासिल करें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।